भाइयों बहनों अने वडीलो नमस्कार। आज आप सत्यनारायण की कथा लेने आया छे। भाग चौथो। श्री सूत जी बोलिया, यात्रा माटे तैयारी करता है सेठे, स्वस्ति वाचन ने करावी, ब्राह्मणों ने दान आपी, नगर तरफ प्रयाण करी। आवे परियोना थोड़े दूर गया पछी तेओनी परीक्षा लेवा श्री सत्यनारायण भगवान एक सन्यासी वेश में तेमनी पासे आव्या अने बोल्या, हे सेठ, तमारी आ होड़ी में शू भर्यू छे? घणा धन थी छकेला ते बने महाजनोए हसीने कह्युं, हे साधु, तमे केम पूछो छो? तमे शा माटे धननी इच्छा राखो छो? अमारी होड़ी में तो वेला अने पांदड़ा भरेला छे। श्री सत्यनारायण भगवाने आ वेपारीओने कड़वी अने मिथ्या वाणी सांभळी कह्युं, सारूं सारूं भाई, तमारी वात साची पड़े। एम कहीने साधु वेशधारी सत्यनारायण तरत ज भगवान आगळ वधी एक जग्याए दरियानी नजीक बेसी गया। दंडी सन्यासी गया पछी सेठ नित्य कर्मनी परिवारी ज्यारे होड़ी पर गयो त्यारे होड़ी ने पाणी थी ऊपर हल्की तारती जोई गूंचवण में पड़ी गयो। तेणे होड़ी में वेला पांदड़ा जोई अने मूर्छित थई जमीन पर डड़ी पड़ो। सेठनी दशा जोईने एना जमाईए कह्युं, हे पिता, आप चिंता शा माटे करो छो? शोक थी व्याकुळ शा माटे थई रह्या छो? जरूर ए पेला साधु महाराजना शापने लीधे थई रह्युं छे, एमां शंका नथी। आप एना शरणे जाओ, अने सर्वशक्तिमान छे अने कंई पण करी शके छे। जमाईना आ वचन सांभळी तेओ बने साधु रूपी भगवान पासे जईने पगे पड़ी आदर सहित विनंती करवा लाग्या, हे भगवान, हूँ आपनी समक्ष जे खोटूं बोल्यो ते अमारो अपराध क्षमा करो। आम वारंवार कही खूब शोक लाग्यो करवा रड़ता वेपारीओ ने जोईने साधु वेशधारी भगवाने कह्युं, हे सेठ, विलाप न कर, मारी वात सांभळ। मानता राखी होवा छतां ते मारी पूजा करी नहीं, मिथ्या वचनो बोल्यो, आथी ज बेहू बुद्धि अने वारंवार दुख सहन करवा पड़ा। श्री सत्यदेवनी वात सांभळी ने सेठ तेमना चरणों में पड़ी प्रार्थना करवा लाग्यो, हे प्रभु, सर्व ब्रह्मादि देवता पण आपनी माया थी मोहित छे अने आपना आ आश्चर्यजनक गुण अने रूप ने नथी जाणता। तमारी माया थी मोहित हूँ सी रीते जाणी सकूँ? वाहन में पहला मारूं जे धन हतुं ते मने पाछू आपो, हूँ मारा वैभव अनुसार आपनु पूजन करीश। सेठना भक्ति वचन सांभळी स्वामी सत्यदेव भगवान प्रसन्न थया, ईर्षित वरदान आपी भगवान अंतर ध्यान थई गया। सेठे आवीने पोतानी होड़ी ने धन ध्यान थी पूर्ण जोई सत्यदेव ने कृपा थी मारी ईर्षा सफल थई। एम कही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करी अने पोताना घर तरफ प्रयाण करी। नगर देखाता ज पोताना सेठे जमाई ने कह्युं, जुओ मारू रत्नपुरी अने पोताना धननु रक्षण करना एक दूत ने समाचार आपवा रवानो कर्यो। दूते नगर में पहुंचीने सेठनी पत्नी ने जोता ज हाथ जोड़ी शुभ समाचार आपता कह्युं, सेठ पोताना जमाई अने बांधवो अने पुष्कळ धन साथे नगरनी नजीक आवी पहुंच्या छे। दूतनो संदेशो सांभळीने लीलावती बहु ज खुश थई गई अने भगवान सत्यनारायणनी पूजा करी लीधी। पुत्रीने कह्युं के हूँ जईने ए लोकोनुं स्वागत करूँ छूं अने तूं पण पूजा पूरी करीने जल्दी आव। कलावतीए माना वचन सांभळी प्रसन्न थई पूजा पूरी करी, परंतु प्रसाद न लीधो अने पतिने मरवा पे ते दौड़ीने गई। प्रसाद न लेवाथी भगवान थया सत्यदेव नाराज अने कलावतीना पतिने अने तेनी होड़ी सहित अदृश्य करी दीधो। कलावती पतिने न पोताना जोता तरत ज शोकथी व्याकुळ अने थई गई जमीन पर ढळी पड़ी। कन्या कलावती ने बहु ज दुखी थई अने होड़ी ने अदृश्य थयेली जोईने सेठे मन में विचार्युं, आ ते केवी आश्चर्य, होड़ी चलावनार नाविको पण सहु चिंता दूर थया। पोतानी पुत्री कलावतीनी स्थिति जोई लीलावती गभराई गई, पण
खूब अने अति दुखथी विलाप करवा लागी। जरावार में जमाई साथे होड़ी अने सीरी ते दृश्य अदृश्य थई गई। कोण जाने क्या देवनी अवगण न थई, हूँ कशु जाणी सकती नथी। सत्यदेवनु महात्म्य जाणवा कोण शक्तिमान छे। आम कही लीलावती पोताना स्वजनों साथे विलाप करवा लागी। पोताना स्वामीने नष्ट थवाथी दुखी थयेली कलावती ने पछी लीलावतीए खोड़ामां बेसाड़ी अने खूब रुदन करी। कलावतीए पादुका लई पतिनी पाछळ सती थवानो मनसूबो कर्यो। कन्यानी संतप्त अने धर्मविद सज्जन वाणिक पोतानी पत्नी सहित विचारवा लाग्यो। आ घटना क्या देवतानो कोपने लीधे बनी, भगवान सत्यदेवनी मायानी अमे ब्रह्मणामां पड्या छीए, એમ માની શેઠ પોતાના સગા વાલાને બોલાવીને સંકલ્પ કર્યો। આ ઘોર સંકટ દૂર થતાં જ હું ભગવાન સત્યનારાયણની પૂજા કરીશ અને નમીને શ્રી સત્યદેવને વારંવાર પ્રણામ કરવા લાગ્યો। આથી દીનજનોનો ઉદારક ભક્ત વત્સલ સત્યદેવે સંતુષ્ટ થઈને કૃપા કરી આકાશવાણીથી કહ્યું, પ્રસાદનો ત્યાગ કરી આ કન્યા પોતાના પતિને જોવા દોડી, આથી જ હું આવી ખરેખર એનો પતિ જોઈ શકતી એ નથી। જો એ ઘરે જઈ પ્રસાદ આરોગી પાછી આવશે એને તો તરત જ એનો પતિ પ્રાપ્ત થશે, એમાં સંચય નથી। કલાવતીને જ્યારે આ આકાશવાણી સાંભળી કે તરત જ ઘરે જઈને પ્રસાદ લીધો અને ફરીથી જ્યાં એનો પતિ અંતર્ધ્યાન થયો હતો ત્યાં આવી પોતાના પતિને સામે જોઈ ને સંતુષ્ટ થઈ પિતાને કહ્યું, ચાલો હવે ઘરે જઈએ, વિલંબ શા માટે કરો છો। કલાવતીની વાત થઈ સાંભળીને શેઠે પ્રસન્ન થયા, ભાઈ ભાંડુઓ સાથે પોતાના ઘરે આવ્યા અને સત્યદેવનું વિધિસર યોગ્ય ધન વડે પૂજન કર્યું। પછી પણ આ દર મહિનાની પૂર્ણિમા તથા સંક્રાંતિના દિવસે નિયમપૂર્વક તે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત પૂજન કરવા લાગ્યો। આ વ્રતના પ્રતાપથી શેઠે લોકના સગડા સુખ ભોગવી અંતે વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચ્યા। બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનો જય જય।